मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल हकीम बलोच के बेटे बाबर हकीम ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर इत्तला सिंध मौला बख्श चांडियो ने कहा कि बाबर हकीम बलोच ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का दुरुस्त फैसला किया है। वजीर आजम नवाज शरीफ अच्छे और शरीफ आदमी हैं, लेकिन उनके वुज़रा गलत मशवरे देकर उन्हें फंसवा रहे हैं, इसलिए उन्हें मशवरा दूंगा कि ओपोजिशन को पनामा लीक्स पर एतमाद में लेकर हल निकालें। मियां साहब शरीफ आदमी है, मियां साहब अच्छे आदमी है, हम चाहते हैं वो गर्दन ऊंची करके पाकिस्तान में चले, लेकिन उनके दोस्तों का ख्याल नहीं, वो शर्मिंदा रहे हैं, इसलिए पनामा को बढ़ा रहे हैं। उनका कहना था कि माजी गवाह है, मुश्किल वक्त में मियां साहब के साथ ओपोजिशन खड़ी थी, ना अहल वुज़रा मियां साहब को अकेला कर रहे हैं। ओपोजिशन को रस्तों पे आने ना दें, उनको मजबूर ना करें ओपोजिशन रस्तों पे आए। ओपोजिशन रस्तों पे आई तो एक झटके का भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बाबर हकीम की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मुशीर इत्तलात ने कहा कि बिलावल की अपील पर नाराज कारकुन वापस आ रहे हैं, जिसकी रगों में भुट्टो का खून बहता है, वो भुट्टो से दूर नहीं रह सकते।